नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा का आखिरी चरण चल रहा है, यानी कि अब आखिरी चरण में जो है वो सिपाही भर्ती परीक्षा आ पहुंची है। 60,000 से ज्यादा पद बताए जा रहे हैं जिन पर लगातार भर्ती प्रक्रिया, जो कि सीधे तौर पर भर्तियां होने जा रही है। अब ऐसे में लगभग 27 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा जो है वो दे चुके हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि परीक्षा छोड़ भी चुके थे, लेकिन आपको बता दें कि ये सारे चरण जो रहे परीक्षा को लेकर वो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया गया। सरकार की यही कोशिश थी परीक्षार्थी की परीक्षा तो जरूर थी, लेकिन सरकार और प्रशासन की भी ये परीक्षा मानी जा रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो पाए, पेपर आउट ना हो, कोई परेशानी ना हो और परीक्षार्थी लगातार जो परीक्षा में आराम से अपनी परीक्षा दे पाए, उसी के अनुरूप प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। सीसीटीवी और तमाम चीज़ों के माध्यम से नजर रखी जा रही थी और कुल मिलाकर इसका रिजल्ट भी यही निकला कि जो परीक्षा थी वो सही तरीके से संपन्न हो रही है। पहली पाली की परीक्षा जो है वो चल रही है, खत्म होने वाली है कुछ ही देर में, उसके बाद दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। और इस खबर पर अपडेट क्या है वो भी हम लेंगे। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछेंगे। सोनी, एक बार दर्शकों को आप जरूर बताएं कि अभी ताजा अपडेट क्या है इस मामले में, कितने परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं, क्या माहौल चल रहा है, आखिरी चरण की परीक्षा है ये? जी देखिए, अभी क्या है, आज परीक्षा का आखिरी दिन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में जो कई बच्चे ऐसे, कम से कम 20-30% जिन्होंने परीक्षा छोड़ दी है, जो किसी न किसी वजह से ये परीक्षा नहीं दे पाए हैं। और अगर मैं बात करूं उनके मतलब रिजल्ट की, तो अब ऐसे में छात्रों की जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ उनके रिजल्ट पे है कि आखिर जो उनका रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा। तो फिलहाल अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई तारीख सामने ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो ऐसा अनुमान है कि शायद जो रिजल्ट है वो दिसंबर के आखिरी साल में आ सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मतलब कट ऑफ की बात करूं तो फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन अगर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है वो 188 और 195 के बीच में है, और ओबीसी का बताऊं तो ओबीसी का जो है वो है 172 और 176 के बीच में है, और एससी का 144 और 149 के बीच में है। और साथ ही अगर एसटी की बात करूं तो एसटी के लिए 113 और 116 तक रह सकती है, तो वहीं पुरुष और अभ्यर्थियों के लिए जनरल में 188 और 195 और ओबीसी के लिए 172 और 176 और एससी के लिए 144 और 149 ये है जो कैटेगरी निर्धारित की गई है। लेकिन सोनी, एक बार दर्शकों को आप ये भी बताया, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए रहती हैं, तो अभी जो स्थिति है परीक्षार्थियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जो परीक्षार्थी देने जा रहे थे एग्जाम्स वो लगातार संतुष्ट हैं जो इंतजाम हुए थे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, क्योंकि एक बार पेपर आउट हो चुका था, अब दोबारा पेपर कराया जा रहा, तो वो खुश नजर आए थे जी। इसमें अभी क्या है, फिलहाल जो कई बच्चे हैं जो शुरू से ही तैयारी में जुटे हुए हैं वो तो खुश हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे जो किसी कारणवश टाइम पे नहीं पहुंच पाए हैं तो उनमें निराशा है। और कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो अभी जो मतलब जो पेपर्स की बात करूँ, जिसमें जो सेंडल जो 20 बंडल सेट पेपर वाइज जो सेट किए गए हैं, तो ऐसे बच्चों के जो मन में सवाल ये उठ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर जो सेट वाइज बनाए गए हैं वो कुछ इजी हो सकते हैं तो कुछ टफ हो सकते हैं, तो इसको लेकर ही बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उभर रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर मैं बोलूं तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बच्चों के एग्जाम्स के लिए जो मार्क्स बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर ही उनको नंबर मिलेंगे, पर फिलहाल अब बस बच्चे जो है वो रिजल्ट की और अपना वो देख रहे हैं कि उनका रिजल्ट आखिर कैसा और कब कब आने वाला है। चलिए ठीक है सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी आपने दी। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से हमने अपडेट लिया है, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि 27 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को फिलहाल दे चुके हैं, लेकिन खास बात देखने को ये भी मिल रही है कि जो दूसरी पाली की परीक्षा है अब वो कराई जाएगी। और परीक्षार्थियों के मन में कहने की खुशी है, योगी सरकार की तरफ से पूरे प्रयास यही थे कि इस परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, और वही देखने को भी मिला कि शांतिपूर्ण माहौल में बिना कोई परेशानी के जो परीक्षा है वो संपन्न यहाँ पर कराई गई थी। अब खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि परीक्षार्थी भी काफी खुश है, उनका ये कहना है कि जल्दी रिजल्ट भी आने जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे। सर, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अब सीधे तौर पर भर्तियां हो रही है, पारदर्शी भर्तियां हो रही है, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है, आपकी राय क्या है? देखिए, सरकार पास रही पेपर कराने में, निश्चित रूप से अगर 100 नंबर में 100 नंबर अगर दिया जाए तो डिस्टिंक्शन, अगर मैं डिस्टिंक्शन की बात करूँ, 100 में तो 100 थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डिस्टिंक्शन की बात की जाए और जो पिछले दिनों में जो हालात थे पेपर लीक होना और ये कि तो उसमें और जो योगी सरकार के सामने चैलेंज था, तो उसे बखूबी योगी सरकार ने प्रशासन को इस तरह से मुस्तैद किया, इस तरह से डायरेक्शन दिए जो बहुत ही बेहतरीन रहा। और आज इसका चरण का समापन होगा, पहले चरण का ये जो है जो आखिरी चरण चल रहा है, आखिरी चरण खत्म हो जाए, हाँ मतलब आखिरी चरण है इसका रिटेन एग्जामिनेशन का। रिटेन एग्जामिनेशन के बाद आपको एक फिजिकल का होगा, फिजिकल में भी दो चरण होते हैं, पहला आपको दौड़ भाग वाला होगा,
उसके बाद से फिर एक और चरण होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। तो लगभग टोटल 5 चरणों में है। तो पहला चरण खत्म होने जा रहा है रिटेन परीक्षा वाला, उसके बाद इसका जो रिजल्ट संभावित रिजल्ट है सो नवंबर से दिसंबर तक में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से फिर वो प्रोसेस होगा। और जैसे ही मुझे जैसे लग रहा है जो योगी सरकार लगातार ये बोल रही है कि जो हम 1 लाख और पुलिस भर्ती करेंगे और 2 साल में 2 ये करेंगे, लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे, तो उसमें जैसे ही दिसंबर तक ये प्रोसेस गोइंग ऑन होता है उसके बाद से संभव है जो दूसरे में इसके लिए जो 1 लाख भर्ती और कि योगी सरकार बात कर रही है तो उसके लिए वैकेंसी आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर काफी ज्यादा होंगे। और तब तक यह है जो अगर इसको योगी सरकार कर लेती तो उपचुनाव भी है सामने, तो हो सकता है उपचुनाव से पहले योगी सरकार इसका रिजल्ट देते तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट चुनाव में भी हमें देखने को मिले, क्योंकि युवाओं को जो लोकसभा था लोकसभा के चुनाव के दौरान नौकरी बेरोजगारी ये सब काफ़ी मुद्दा रहा था और अग्निवीर को लेके काफ़ी लोगों में नाराजगी थी, तो इस तरह से उसको पाटने की कोशिश योगी सरकार कर रही है। नहीं कहीं ना कहीं अगर इसको हम सीधे तौर पर ये देखें कि जो अभी ये कहा जाता है कि सीधी भर्ती है, इसको नाम दिया गया सीधे तौर पर भर्तियाँ हो रही है, पारदर्शी तरीके से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो सरकार के वादे किए गए थे जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी, तो जो वादे थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से? देखिए योगी सरकार की तरफ देखिए कई अगर मैनिफेस्टो की आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें हैं जिस पर लगातार योगी सरकार दावा कर रही है जो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और कई इसमें हम देखते हैं कई स्तर पर हम देखते हैं जो काम हो भी रहा है। जैसे आप सुरक्षा को लेकर देखिए तो महिला सुरक्षा को लेकर काफी सरकार चौकस है, योगी सरकार ने कहा था भर्ती पेपर में जो लीक होती है भर्ती उसको मैं रोकूंगा। तो देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है जो इस बार जो योगी सरकार ने बोला था जो परिंदा भी नहीं पर मार पाएगा, तो उस तरह की चौकसी है हर एक, मतलब पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में इस लेवल पे आपको सीसीटीवी और इस सबसे निगरानी हो रहा है, और हर लेवल पे अब जैसे देखिए ये जाता है कोई अभ्यर्थी पेपर देने जाता है तो उनके आधार कार्ड से फिंगर मैच होता है, जिसमें हमने देखा जो कई अभ्यर्थी जो डुप्लीकेट अभ्यर्थी बनके नकली बनके गए थे तो वो भी पकड़े गए थे। तो इस तरह से योगी सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उस चुनौती का योगी सरकार ने बखूबी सामना किया और उसको समापन की ओर जो पहला चरण है उत्तर प्रदेश का पुलिस भर्ती परीक्षा जिसमें कि 60,000 से ऊपर भर्ती है तो उसको योगी सरकार कंप्लीट करने जा रही है। आज ये चुनाव का प्रक्रिया खत्म आज ये पेपर जो 5 चरणों में हो रहा था 10 पाली में आज ये शाम में इसका समापन होगा, उसके बाद से कॉपी का जांच होगा, कॉपी जांच के बाद आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब देखिए जो पेपर जब इसका पेपर का जब रिजल्ट आएगा तो अब इसमें जैसे 60,000 है 60,000 भर्ती है तो 60,000 भर्ती में आप मान के चलिए जो कम से कम आपको 20 गुना ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, तो 60,000 20 मतलब आपको हो गया जो तकरीबन आपको 1,20,000 के आसपास से तकरीबन 12 से 13 लाख बच्चों का ये रिजल्ट आएगा, और 12 से 13 लाख बच्चों के इसके लिए चयनित हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल के बाद फिर उनका इसके लिए हुआ, फिजिकल में भी कई चरण हैं और इस चरण में जो आप एक चरण से आप जब किसी भी चरण में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको उससे रिस्क से बाहर हो जाते हैं। तो अभी है अभी ये लंबा प्रोसेस है, मुझे लगता है जो पूरा फाइनल होते होते प्रक्रिया मार्च तक चला जाएगा, मार्च से अप्रैल तक ये चला जाएगा। इस बीच में हो सकता है जो योगी सरकार जो और दावे कर वो वादे कर रही है जो नौकरी देने का जो उन्होंने ऐलान किया है सीएम योगी ने, तो वो आपको अप्रैल मई तक में या फिर उससे पहले हो सकता है जो उसके लिए उसका रिजल्ट भी हो जाए और उससे पहले ये जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आ जाए। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि सरकार जो वादे कर रही थी रोजगार देने के अवसर पूरे प्रदान किए जा रहे हैं पुलिस भर्ती में। देखिए सिर्फ अभी पुलिस भर्ती में लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कई भर्ती है वैकेंसीज है, तो योगी सरकार उसको भी मॉनिटर कर रही है जो कहाँ पे कितना वैकेंसी है, हम उसको किस प्रक्रिया के तहत कैसे हम उसको निकाल सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होगा, तो उस पर योगी सरकार लगातार उस पर मंथन कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या, 2027 में विधानसभा चुनाव होना, तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना उस चुनाव से पहले योगी सरकार को इन वैकेंसीज को फिल करके योगी सरकार को दिखाना है। बिल्कुल,
चलो ठीक है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि पूरी तरीके से फिल करके रोजगार के अवसर जो है प्रदान किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी दी। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे थे, आपको बता दें कि अब सरकार का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है वो अवसर उनके प्रदान किए जा रहे हैं और रोजगार देने का प्रयास पूरी तरीके से कोशिश कर रही है सरकार। अब खास बात यह रहेगी कि 60,000 पदों पर सीधी भर्तियां हो रही है आने वाले समय में, जिस तरीके से हमारे सर ने बताया है, जानकारी दी कि अब लगातार देखने को मिलेगा कि अब और भर्तियां भी निकाली जाएंगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो चुनावों पर और आने वाले भविष्य पर क्या पड़ता है, ये जरूर वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में वीकली सिर्फ इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर देखें।